दोस्तों कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ जो आप कमेंट करते हैं, उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। आज का क्वेश्चन एक बहन का था। उन्होंने कहा कि सर ये बताएं, जो हम महिलाएं हैं घर का काम भी करते हैं और अभी जो स्कूल्स हैं वो भी बंद हैं, तो बच्चे भी घर पर ही हैं, उसके साथ साथ हम वर्ग 3 के लिए टाइम कैसे निकालें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं, उससे पहले मैं सभी बहनों से ये कहूंगा कि यदि आप घर का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई में आप उनकी मदद कर रहे हैं और चीजें भी मैनेज कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आप वो तो डेली कर ही रहे हो, ये टाइम मैनेजमेंट का ही कमाल है कि आपके घर के सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, साथ में घर के डेली काम होते हैं, उसके साथ फिर पढ़ाई कैसे करें बर्ग 3। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात देखनी है कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। यदि मान लो वो 5th क्लास से लेके 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी पढ़ाई का ही एक कोर्स पढ़ रहे हैं। यदि आप उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं जो बहन है, तो आप अपना कोर्स ही पूरा कर रहे हैं वर्ग 3 की, आपकी तैयारी हो ही रही है। इसके अलावा यदि आपके घर में और छोटे बच्चे हैं जो 1ली क्लास से लेके 5वीं क्लास के बीच में हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है और मैं ये वर्ग 2 के अनुभव से कह रहा हूं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास या शिक्षा शास्त्र में, वो प्रैक्टिकली नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर रटा हुआ एक समय तो काम आता है, लेकिन एक समय में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर रटा हुआ भी काम नहीं आता, वहां पर आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज काम आती है। अब जो भी आपने बीएड, डीएड या डीएलएड में जो भी कोर्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, और आपके घर में यदि 1ली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बीच बच्चे हैं, तो वो प्रैक्टिकली नॉलेज आपको दे रहे हैं। यदि आप समझ पाए, जो भी पढ़ा है, जो भी वैज्ञानिक ने आपको परिभाषा दी है, उनसे कनेक्ट तो करें। यदि आप वो पढ़ाई अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाए कि एक बच्चे का विकास कैसे किया जाता है, यदि वो पढ़ाई में कमजोर है तो उसे इन पढ़ाई में अच्छा कैसे किया जा सकता है, यदि वो पढ़ाई से बोर हो रहा है तो उसका तरीका क्या बताया गया है आपके डीएड, बीएड या डीएलएड में, क्योंकि मैंने इसकी क्लासेस ली हैं, अपने यहाँ पे वर्ग 3 की तैयारी कराता था, तो काफी मैंने भी उससे गहन अध्ययन किया है आपके जो बीएड की किताबें हो गई है, डीएड या डीएलएड की, तो उसमें काफी अच्छी परिभाषाएं इस पर दी गई हैं, तो आप प्रैक्टिकली नॉलेज वहां से गेन कर सकते हो। तो यानी कि आप यदि 3 घंटे पढ़ रहे हो, यानी कि 24 घंटे में जो हाउस वाइफ से इतना समय नहीं मिल पाता, फिर भी आपने 2-3 घंटे ऐसे निकाल लिए जहां पर आप वर्ग 3 की पढ़ाई कर रहे हो, उसके अलावा भी आप प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल कर सकते हो अपने घर के बच्चों से ही। और इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जो कि महिलाओं के ऊपर था, जब वर्ग 1 और वर्ग 2 का आपके प्रिपरेशन कर रही थी महिलाएं, तो उनके ऊपर ही बनाया था, तो हो सके तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं और मैं आपको लिंक उसकी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी भी वो वीडियो डला हुआ है, उसमें काफी डिटेल्स में मैंने ये बात समझाई थी कि प्रैक्टिकली नॉलेज आप गेन कर सकते हो घर के काम करते करते, जो रोज के आपके काम है ना वही आपकी पढ़ाई का हिस्सा हो जाएगा। जो आप बच्चों को समझा रहे हो, जो उनकी परवरिश कर रहे हो, वही आपकी पढ़ाई का हिस्सा हो जाएगा। तो जो हाउस वाइफ्स हैं, उनकी पढ़ाई सिर्फ वो 2 घंटे या 3 घंटे तक सीमित ना रहकर, उनकी पढ़ाई वो जितना काम कर रहे हैं वहां पर कनेक्ट होती चली जाएगी। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और ध्यान रखें कि अपने बच्चे जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे यदि आप प्रैक्टिकली नॉलेज अप्लाई कर पाए, उनसे अपनी पढ़ाई को जोड़ पाए ना, तो अलग से टाइम नहीं निकालना। और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो यदि आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर पाए ना, तो आपके नंबर अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। और ये तो सही है कि 2-3 घंटे तो आपको निकालने ही होंगे, तो हो सके तो मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे पढ़ लें और फिर दोपहर में या इवनिंग में 1-1.5 घंटे निकाल लें, तो इस हिसाब से आपके 3 घंटे तो आपको मिल जाएंगे जहां पर आप बुक्स को देख रहे हो, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हो। इसके बाद जो भी आप काम कर रहे हो ना,
उसमें अपनी पढ़ाई को जोड़ते चले जाएं। इसे कहते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज। जो थ्योरी वाली नॉलेज होती है वो तो आपको बुक से मिल जाएगी, उसे आप रट लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज यहाँ पर ज्यादा मायने रखती है। वर्ग दो में बाल विकास में नंबर इसलिए कटे थे कि प्रैक्टिकली जो नॉलेज थी उस हिसाब से उसे हल ना करके जो पढ़ा हुआ था उसमें उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वहां वो मिल नहीं रहा था। अगर प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छी हो तो उसमें से ही आप आंसर ढूंढ सकते हो। तो ये तो आई थिंक मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ कि अपनी जो पढ़ाई है सिर्फ बुक्स तक सीमित ना रखकर अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं और हर चीज़ जो घटना घटित हो रही है उससे अपनी पढ़ाई जोड़ते चले जाएं, और बच्चों के ऊपर ही बेस्ड है आपका बाल विकास, बच्चों के ऊपर ही बेस्ड है आपका शिक्षा शास्त्र, और वही तो आपको करना है। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे 100% आपको लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो आज की बहनों के लिए था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।